पीलीभीत के बाजारों में दावत इस्लामी के ये गुल्लक किसने लगाए? इस गुल्लकों में रुपए कौन डालता है? ये रुपए कहाँ जाते हैं? इन रुपयों का इस्तेमाल कैसे होता है? क्या इन रुपयों का इस्तेमाल भारत विरोधी कार्यों में होता है? आखिर दावत इस्लामी को भारत में स्कूल खोलने की इजाजत किसने दी? उसके स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? सब कुछ विस्तार से समझिए। उदयपुर कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस घटना के पीछे जिस संगठन का नाम आया वो है दावत इस्लामी। पाकिस्तान के कराची से ऑपरेट होने वाले इस संगठन के संपर्क में आकर ही उदयपुर के कट्टरपंथियों ने दिन दहाड़े कन्हैया लाल की निशंस हत्या कर दी। दावत इस्लामी की फंडिंग पीलीभीत से की जा रही है। आखिर ये माजरा क्या है? हमारी टीम को जानकारी मिली कि पीलीभीत के मुस्लिम इलाकों के बाजारों में दावत इस्लामी के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। हमने तय किया कि खुद चलकर देखा जाए कि आखिर ये चंदा कौन देता है और कहां जाता है। पीलीभीत शहर की चूना वाली गली, चूड़ी वाली गली, मेन मार्केट और सेंटर मार्केट में हमने पड़ताल की। हमारा कैमरा जितनी दुकानों पर गया वहाँ एक बॉक्स रखा हुआ मिला। उसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में एक संदेश भी लिखा है। मदनी अतियात का नाम भी लिखा है। अतियात मदनी दावत इस्लामी का प्रमुख है। कोई भी आता है, गरीब बच्चों के लिए वहाँ पर जो मदरसे में पढ़ते हैं या उनके लिए गरीब लोगों के लिए जो पैसा जो भी इकट्ठा होता है उनके लिए सहायता होती है। अच्छा, पीलीभीत में कौन लोग आते हैं इसको लेने? दावत इस्लामी वाले। तो ये लोग महीने में आते हैं, सप्ताह में आते हैं? महीने में। कितना पैसा इकट्ठा हो जाता है इस महीने? गुल्लक या डोनेशन बॉक्स या फंडिंग बॉक्स की पीली पट्टी में लिखा है कि आपके चंदे को किसी भी जायज इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैरख्वाही और भलाई के कर्म में खर्च किया जा सकता है। मतलब यह है कि चंदे की राशि को कहीं और भी खर्च किया जा सकता है। सबसे नीचे वाली पट्टी में मदनी अतियात को दुआएं देते हुए लाइनें लिखी है। उसके बाद का हिस्सा पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये दातले खाई वाले गुजरते हैं और ये दिन भी काम में आती है। जैसे ये लोग ये मदद से जाते हैं, कहीं इनका पोड़ा होता है, उसी लिए दिन के दारू में भी है। तो पीलीभीत से कौन लोग इसमें से पैसा ले जाते हैं? इसमें से कुछ पंजाबी लोग हैं, पंजाबी आने के लोग हैं, वो ले जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में कोई जानकारी है कि दावत इस्लामी के इसका ऑफिस कहाँ है? इसके पंजाबी चलाते हैं। तो ये लोग हफ्ते में आते हैं, महीने में आते हैं? ये ऐसे 15 दिन में आते हैं लगभग। दुकानों पर ये डोनेशन बॉक्स या कलेक्शन बॉक्स किसने लगाए इस बारे में दुकानदार खुलकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन जितना बोलते हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने कुछ दुकानदारों से बातचीत की तो पता चला कि हर महीने दावत इस्लामी का एजेंट आता है और डोनेशन बॉक्स खाली कर देता है। ये दावत इस्लामी वालों की है। ये लोग जो मदरसों में पढ़ाई वगैरह करते हैं ये उनके लिए है। कौन ले जाता है ये पैसा? ये दावत इस्लामी के जो मेंबर होते हैं, जो भी कैंडिडेट वो होते हैं, जो इसका चार्ज होता है इनके पास, वही लेके जाते हैं। यहाँ पीलीभीत में कौन है, कहाँ है, इस बारे में साफ नॉलेज नहीं है कि कौन है। फिलहाल नाम से ही वाकिफ नहीं है। इसका ऑफिस वगैरह कहाँ है? ऑफिस भी नहीं पता कहाँ पर है। ऐसी हमने रख ली, पहचान वाले लोग हैं, गुल्लक मार का दे रखा है, ये लोगों को दे रखा है जी। इस पर क्या लिखा है कि कौन तंजीम है? इस पर देखो सर, पढ़ो क्या है। दुकानदारों ने बताया कि हर महीने 200 से 400 रुपए इकट्ठा हो जाता है। जो लोग इसमें पैसे डालते हैं उन्हें शायद ही यह मालूम हो कि दावत इस्लामी क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। दुकानदार कहते हैं कि इन पैसों का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई और नेक कार्यों में होता है, इसलिए लोग इसमें रुपए डाल देते हैं। शहर में ही दावत इस्लामी का एक स्कूल है। स्कूल के बाहर बोर्ड में लिखा है कि यह इंग्लिश मीडियम है। दावत इस्लामी के लिए लगाए डोनेशन बॉक्स को लेकर हमने शहर काजी मौलाना जरताब रजा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह आतंकी संगठन है, देश में जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। शहर काजी ने दावा किया कि दावत इस्लामी के जितने भी स्कूल हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं है। इन स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वो देश के लिए खतरा है। 85 लाख रुपए इकट्ठा करके इस तंजीम कहां पर खर्च कर रही है? गोलक के नाम पर, डोनेशन के नाम पर, रमजान में चंदा करती है, कुर्बानी के की खाल इकट्ठा करती है, कुर्बानी कराती है, मदरसे स्कूल खोल रही है। एक पाकिस्तानी संगठन
यहाँ पर कैसे स्कूल चला रहा है। मैं यही पूछना आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान में आरएसएस के स्कूलों को मान्यता मिल जाएगी? मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद वालों को क्या पाकिस्तान में संगठन चलाने की इजाज़त मिल जाएगी? क्या हिंदू वाहिनी वालों को पाकिस्तान में संगठन चलाने की इजाज़त मिल जाएगी? हमारी दरगाह हमेशा अपने वतन की सपोर्ट में रही। मौलाना जरदाब रजा ने कहा कि उन्होंने कई बार इस साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 2019 में मैंने कई सार्वजनिक सभाओं में अपनी कौम के लोगों को आगाह किया था कि दावत इस्लामी आपके बच्चों को मरवा देगा, उनका भविष्य बर्बाद कर देगा, लेकिन इस चेतावनी का असर नहीं हुआ। इकट्ठा किया जा रहा रुपया कहाँ इस्तेमाल होता है, इस बारे में हमने जिला प्रशासन से बातचीत करनी चाहिए तो अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दावत इस्लामी दावा करता है कि यह शांतिपूर्ण इस्लामिक संगठन है। इसका मुख्यालय पाकिस्तान के कराची में है। संगठन दावा करता है कि इसका मुख्य कार्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। यह कुरान और सुन्नत का प्रचार करता है। दावत इस्लामी के 108 से ज्यादा विभाग हैं। कानपुर में सीरियल लव जिहाद केस, धर्मांतरण आदि मामलों में दावत इस्लामी की भूमिका संदिग्ध है।